हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नेहास क्रिएटिविटी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना फ्लोरेंस का डे वन ब्लॉग। अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। तो आज हम लोगों का प्लान था पीसा एक्सप्लोर करने का। हम लोग अपने अपार्टमेंट से निकले, डे एकदम हॉट था और हमारे अपार्टमेंट के बाहर ये ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी जहाँ पर बहुत ही सुंदर फ्लावर लगे हुए थे। हमारा जो अपार्टमेंट था वो जो फ्लोरेंस के मेन अट्रैक्शंस थे उनके पास में ही था, और इवन जो डेविड का स्कल्पचर म्यूज़ियम है वो हमारे अपार्टमेंट के जस्ट ऑपोजिट था। तो हम लोगों ने वॉक किया और वॉक करके हम लोग ट्रेन स्टेशन गए, क्योंकि ट्रेन स्टेशन एकदम नियर बाय था हमारे अपार्टमेंट के। तो वहाँ से हम लोगों ने पिसा के लिए रीजनल ट्रेन ली और ट्रेन ने नियर अबाउट 1 आवर लिया पिसा तक जाने के लिए। और फ्लोरेंस से पिसा जाने का जो वे था वो एकदम सीनिक था, तो काफ़ी अच्छा लगा पूरा वे। पहुंचे और ये था ट्रेन स्टेशन के बाहर का व्यू। तो बिल्डिंग देखकर लग रहा था कि पिसा काफ़ी ओल्ड सिटी है। तो हम लोग यहाँ से जाने वाले थे लीनिंग टावर ऑफ पिसा। यहाँ से लीनिंग टावर ऑफ पिसा काफ़ी दूर पड़ता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वॉक करके जाएंगे, क्योंकि वॉक करके जाने से सिटी को हम ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो पूरा जो पाथ था वो काफ़ी सीनिक था, काफ़ी शॉप्स थी, तो वॉक करके जाने में काफ़ी अच्छा लगा। तो रास्ते में ये वाला ब्रिज पड़ा। ब्रिज के ऑपोजिट जो बिल्डिंग्स थी वो मेरे मन को बहुत भा गई, क्योंकि कलर्स तो सब बिल्डिंग्स के अलग थे ही और साइज भी अनइवन थे, जो बिल्डिंग्स की ब्यूटी को काफी एनहांस कर रहे थे। और पिसा जाने के लिए हम लोगों ने गूगल मैप को फॉलो किया, लेकिन जीपीएस बहुत बार गलत डायरेक्शन दे रहा था जिससे हम लोग बहुत ज्यादा भटक रहे थे। तो अगर आप लोग पिसा जाएं तो एक बार वहां पे गूगल मैप को तो फॉलो करें और साथ में आसपास के लोगों से जरूर पूछें। तो ये थी वहाँ पे काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग, शायद ये एक स्कूल की बिल्डिंग थी। फाइनली गूगल मैप को फॉलो करने के बाद और काफ़ी लोगों से पूछने के बाद हम लोगों को दिखाई दिया लीनिंग टावर ऑफ पिसा। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, लीनिंग टावर ऑफ पिसा 7 वंडर्स में से एक है। ये टावर इसलिए फेमस है क्योंकि ये एक अनइंटेंडेड टिल्ट टावर है और कैथेड्रल के बिहाइंड में ही सिचुएटेड है। ये है लीनिंग टावर ऑफ पिसा, जिसको बनने में नियर अबाउट 2 सेंचुरीज लगे। 12th सेंचुरी में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ और नियर अबाउट 14th सेंचुरी में ख़त्म हुआ। इसमें ऊपर जाने के लिए लगभग 297 स्टेप्स हैं, जिसका टिकट हमें लेना पड़ता है, और वहाँ पर छोटे बच्चों का जाना अलाउ नहीं है, तो हम लोग ऊपर नहीं जा पाए। तो हम लोगों ने वहीं कहीं आसपास का कैथेड्रल और एरिया जो भी था एक्सप्लोर किया, थोड़ा वहाँ पर रेस्ट किया, और हम लोगों ने ये वाली पिक्चर क्लिक की, क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग ऐसे टावर को हाथ लगाते हुए पिक्चर क्लिक करते हैं, क्योंकि ये वाली पिक्चर इल्यूशन देती है जैसे हम लोग टावर को सीधा कर रहे हैं। ये था टावर का लुक कैथेड्रल के साथ, तो काफ़ी सुंदर लग रहा था और स्काई एकदम क्लियर था, और जो क्लाउड्स थे वो भी पता नहीं क्यों बहुत ही डिफरेंट लग रहे थे। फोटोग्राफी करने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, और जो सीन था वो एकदम ऐसा था कि पेंटिंग करो वहीं पर बैठकर।
तो हम लोगों ने वापस आते वक्त बस ली, क्योंकि वापस आते वक्त चलने का बिल्कुल हिम्मत नहीं था और स्टेशन वहाँ से काफ़ी दूर था। तो हम लोग वहाँ से वापस आए स्टेशन और हम लोगों ने लंच किया, फिर हम लोगों ने ट्रेन ली फ्लोरेंस के लिए। तो इटली में जो रीजनल ट्रेन हैं वो मोस्ट ऑफ द डबल डेकर ट्रेन हैं, तो मैं भी आपको एक लुक दिखा देती हूँ। हम लोग फ्लोरेंस वापस आए और हम लोगों ने घर पर थोड़ा रेस्ट किया, उसके बाद इवनिंग में हम लोग निकले फ्लोरेंस सिटी एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो अपार्टमेंट था वो मेन अट्रैक्शंस के एकदम पास में ही था। तो हम लोग वहाँ से इवनिंग में निकले और पूरा सिटी हम लोगों ने ऐसे एक्सप्लोर किया, तो जगह जगह आर्टिस्ट बैठे हुए थे, क्योंकि फ्लोरेंस जो सिटी है वो आर्टिस्टिक सिटी है, तो सब जगह ऐसे आर्टिस्ट बैठे हुए थे और सुंदर सुंदर पेंटिंग्स कर रहे थे और ऐसे स्केचेस बना रहे थे। तो मैं तो वहाँ जाकर बैठ गई और उन्हीं को देखते रही, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं कितनी भी देर किसी को पेंटिंग करते हुए देख सकती हूँ। तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे सब लोगों को देखकर। तो मैं भी आपको एक पूरा व्यू दिखा देती हूँ कि वहाँ पे जो पेंटर्स थे वो कैसी कैसी पेंटिंग कर रहे थे। वहाँ के जो आर्टिस्ट थे वो विद इन 10 मिनट लाइव स्केचेस तैयार करके दे रहे थे, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अमेज कर रहा था। ये था फ्लोरेंस का बेल टावर और इसके साथ में ही थी फेमस कैथेड्रल जो कि हम लोग कल कवर करने वाले थे। और ये थी वहाँ पे पास्ता शॉप जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पास्ता थे, तो मैंने यहाँ से पास्ता खरीदा है, तो वो मैं अभी आपको अपकमिंग वीडियो में शॉपिंग हॉल दिखाऊंगी इटली का, उसमें आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग किया है। तो ऐसा था हमारा आज का दिन फ्लोरेंस का, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहीं से ही आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड जल्दी ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।